नमस्कार दोस्तों, मेहंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जीके के क्वेश्चंस का। और इसमें दोस्तों मैंने जीके के क्वेश्चंस के जो लेवल को थोड़ा सा हाई रखा हुआ है, ताकि आप लोग देख पाएं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। आपको ये चीज में देखना है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है इसमें से। चलिए दोस्तों आंसर आपको बता देते हैं। तो आंसर है आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि इस समय मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। पहले ये आता था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन 1978 की बात अगर की जाए तो 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया था। इसके अलावा आप समानता का अधिकार की बात करें, या स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, तो सभी आपका मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और अगर और थोड़ी बात की जाए, तो जो आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके संविधान के भाग 3 में देखे जाते हैं। 12 से लेकर के 35 तक संविधान के भाग 3 में, इतना ध्यान रखने वाली चीज इससे है। और एक चीज और जरूर से ध्यान रखिए कि इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो इतनी जानकारी आप लोग दिमाग में रखिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, तो आंसर बताते हैं। जो रोलेट एक्ट है, सॉरी दोस्तों, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है किया गया था, इसको लागू किया गया था। साथ ही साथ बता दें, ये रोलेट एक्ट आपका किस सन में अगर पूछा जाए तो ये 1919 में आया था रोलेट एक्ट। और इसके दोस्तों एक दो नाम और थे, क्योंकि इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून कहा जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि उस समय अंग्रेज के जो वहां के जो है सिपाही या जो उसके जेलर वगैरह हुआ करते थे, उसके उनको अधिकार था कि किसी भी स्थिति, यानी अगर उनको किसी के ऊपर भी संदेह है, तो उस व्यक्ति को वो बिना कुछ कहे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए जो है इसको आपका क्या, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। साथ ही साथ इसको काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। तो सभी चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था, यानी लिच्छवी दोहित्र की संज्ञा निम्न में से किसको दी गई थी। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। इसका मींस क्या होता है दोस्तों, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तो क्यों इनको बोला जाता था? क्योंकि उनकी माता जो थी वो एक लिच्छवी की राजकुमारी थी, इसीलिए इनको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। चलिए दोस्तों आंसर दिखाते हैं आपको। आंसर होगा इसका पंचमढ़ी। इसको जो है क्या बोला जाता है, सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। और अगर इस पंचमढ़ी की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है पंचमढ़ी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो एक्सोबायोलॉजी का संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ साथ अगर आपको कभी ऑप्शन में देता है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के साथ, यानी अन्य ग्रहों के जीवन का अध्ययन भी एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है, तो इसके साथ साथ आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो भी ऑप्शन आपको मिले दोनों में से, उसको आपको लगाना है। अगर दोनों मिलता है तो दोनों ही सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित होती है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन किस में हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है, और पेड़ पौधे इसको अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध धम्म एवं संघ, ये तीन चीजें हैं, बुद्ध धम्म एवं संघ मिलकर क्या कहलाते थे या क्या कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। इसका आंसर है त्रिरत्न। इसको हम लोग त्रिरत्न बोलते थे, बुद्ध धम्म और संघ मिला करके उसको हम लोग त्रिरत्न
बोलते थे। ठीक है दोस्तों, ये किसका था? ये बौद्ध धर्म में जो है देखा जाता था, बौद्ध धर्म के तीर्थ जिनको कहे जाते थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये चीज। इसके अलावा अगर हम लोग जो है जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी जो है तीर्थ थे जिनको हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण बोलते थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परखनली शिशु के संबंध में निम्न में से क्या सही है, यानी इसमें से क्या ऐसा है जो परखनली शिशु के संबंध में सही बताता है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो परखनली शिशु के संबंध में क्या सही था कि अंडे का निषेचन परखनली में होता है। आपसे पूछ रहा है, इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो है अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो आपका ये बता सकते हैं कि गर्भाशय से बाहर अंडे का निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत पत्र का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया। चलिए आंसर देखते हैं। तो मत पत्र का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड कहाँ की राजकुमारी से विवाह के लिए बंबई दहेज के रूप में दिया गया था, यानी कहाँ की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था जहां पे इनको बंबई दहेज के रूप में दिया गया था। आंसर देखते हैं दोस्तों, तो पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ इनका विवाह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध निम्न में से क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, स्थिर रहेगा यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आंसर दिखाते हैं आपको। आंसर होगा बढ़ता है, यानी जैसे जैसे तार लंबा होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है। चलिए आंसर देखते हैं। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण उसमें उपस्थित फ्रक्टोज है, इसी फ्रक्टोज के कारण ये क्या होता है हमको मीठा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार किसके पाचन में मदद करता है। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। लार में दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और लाइपेज भी इसी में पाया जाता है। ठीक, तो टाइलिन और लाइपेज ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही जो है ये स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत के किस धर्म सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। आंसर आपका है गोपाल हरि देशमुख, इनको किसकी लोक हितवादी की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। चलिए आंसर बताते हैं। तो हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद किसमें 280 में वर्णित है, जिसमें ये बताया गया है कि संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आदर्शवाद का जनक निम्न में से किसे माना जाता है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो आदर्शवाद का जो जनक है वो हम लोग प्लेटो को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के किस राज्य में मोनोजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है। चलिए दोस्तों आंसर बता देते हैं। तो आंसर है आपका केरल। भारत के किस राज्य में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है, केरल में है। और इस मोनोजाइट में क्या चीज दोस्तों पाया जाता है, उच्च स्तरीय थोरियम, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था। चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए। जो तख्ते ताऊस है वो प्रसिद्ध सिंहासन लाल किला के दीवाने आम में रखा गया था। पहले दोस्तों ये आपके कहाँ हुआ करता था, आगरा के किले में। और इसको बनवाने वाला कौन था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा एक चीज और है कि इस सिंहासन को ईरान का जो शासक था नादिर शाह वो लूट करके भी ले गया था, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको पसंद आने पर लाइक इसको जरूर कर देना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। तो वीडी सावरकर जी आपके कौन थे, द इंडियन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक।
तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि सभी आपको पसंद आए होंगे और आपने इसको लाइक जरूर कर दिया होगा। साथ ही साथ जो लोग नए हो मेरे चैनल पे बन जाएं, साथ में सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट उनको उनके मोबाइल पे मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मैं आ जाऊंगा नई वीडियो के साथ।